आप पूरी मेहनत करके एक साल दो साल तीन साल एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो जेई मेंस, और एग्ज़ाम वाले दिन आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अगर मैं बताने बैठूँ तो मैं शर्मिंदा महसूस करूँगा। बट स्टिल मैं तुमको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो कि मेरे साथ हुआ था मेरे मेंस के एग्ज़ाम के टाइम पे, ताकि तुम उन चीज़ों को रिपीट ना करो एंड तुम अपने एग्ज़ाम में फोड़ सको। अगर तुमने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है तो भी इस कहानी को सुनना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इसको सुन के। अब कहानी के शुरुआत का पार्ट तो तुमको पता ही है कि मैं था दिल्ली में कालू सराय में। 1000 बार तुमको मैं बता चुका हूँ कि मैं रहता था अपने फ्रेंड अनुराग के साथ। अनुराग एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत ही अटेंटिव था, बहुत ही ज्यादा स्टड था, इन द सेंस कि हमेशा चीज़ों को टाइम पे करता था। तो एग्जाम था मेंस का, और एग्जाम से एक रात पहले मैं बहुत लेट सोया। मिस्टेक नंबर वन, मैं लेट सोया। कितने बजे मैं सोया? 4 बजे। क्यों लेट सोया? क्योंकि मुझे रिविजन करना था। अब तुम लोगों का मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं पूरे साल कितना भी मेहनत कर लूँ, कितना भी पढ़ लूँ, अगर लास्ट मोमेंट पे मैंने चीज़ों को नहीं देखा है पन्ना पलटा के, तो मैं भूल जाता हूँ। मतलब मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना ही स्ट्रांग हो जाए, बट अगर मैंने लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी का एक एक लाइन ऐसे देखा नहीं ना जल्दी 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 जल्दी, तो मैं भूल जाता हूँ। वो कहते हैं विजुअल मेमोरी एक होती है, तो मुझे पूरी चीज़ों को अपने विजुअल मेमोरी में लास्ट मोमेंट पे बिठाना होता है। तो वो विजुअल मेमोरी में बिठाने के चक्कर में, पूरे नोट्स को देखने के चक्कर में बज गए सुबह के 4 बजे मैं सोता हूँ, एंड सुबह उठता हूँ 8 बजे। एग्जाम का टाइम था करीब 10 बजे से, एंड 8 बजे सुबह मैं उठाऊँ। मैंने जैसे 8 बजे सुबह मैं उठता हूँ, देखता हूँ कि अनुराग जो मेरा रूममेट था वो घर से निकल रहा है। एंड आई एम लाइक कि भाई इसका सेंटर एग्जाम का यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं, इट्स लाइक 20-30 मिनट्स, एंड ये अभी निकल रहा है। और मेरा एग्जाम सेंटर अगर मैं मेट्रो से जाऊँ और साथ में बीच में एक बार ऑटो भी लूँ तो इट्स अराउंड 1 आवर। तो मैं अभी सो के उठ रहा हूँ एंड मेरा रूममेट अभी एग्जाम के लिए जा रहा है। आई वाज लाइक अरे यार क्या ये सब लौंडे हैं यार, एग्जाम से इतना पहले टेंशन लेते हैं, मेरे तरह कूल बनो यार, थोड़ा एग्जाम जाओ आराम से, एग्जाम में फोड़ के आओ थोड़ा लेट से जाके। तो लाइक हाँ ठीक है। तो मैं उठता हूँ, उठ के सबसे पहले क्या करता हूँ, ब्रश वगैरह नहीं, अभी भी एक छोटा सा रिवीजन बाकी था। केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो रिवीजन करना बच गया था। तो सोचा कि पहले इसको निपटा लेते हैं फिर जाएंगे कुछ करने के लिए। तो पहले फटाक से उसको रिवीजन करा। 8 से 8:20 हो गए। अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहा के निकलता हूँ। फटाक से मैंने दही शक्कर खाया जो कि मम्मी बचपन से सिखाते आ रही है, एंड उसके बाद फिर फाइनली मैं निकलता हूँ कि चलो अब जाना मुझे फाइनली एग्जाम के लिए। ऑटो लेता हूँ एंड पहुँचता हूँ मेट्रो स्टेशन। ठीक है, मेट्रो में बिल्कुल भीड़ नहीं है, लाइक ठीक है यार, मतलब डिसेंट इनफ है लोग, बट इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। आराम से मैं मेट्रो में बैठता हूँ। मेट्रो में बैठ के क्या कर रहा हूँ, अभी भी रिवीजन कर रहा हूँ। अभी रिवीजन किस चीज़ का कर रहा हूँ, अब रिवीजन कर रहा हूँ बायनोमल थ्योरम का, अब रिवीजन कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ फॉर्मूला का। वैसे अगर तुम आईटीजी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हारे लिए वो जो मोमेंट है प्रिपरेशन वाला बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा, कि तुम भी ऐसी सारी चीज़ें कर रहे होगे एंड पैसे भी बहुत खर्च होते होंगे। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ कि अनअकैडमी लेकर आया एक ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि तुमको 100% स्कॉलरशिप देता है अनअकैडमी के सारे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज पे। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 26 मार्च से 16 अप्रैल तक हर दिन हो रहा है, सुबह 11 से 12 और शाम को 4 से 5 बजे। इस टेस्ट में अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तुमको 100% स्कॉलरशिप तो मिलता ही है, साथ में तुम एक स्पेशल रैंकर्स ग्रुप का हिस्सा बनते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ सकता है। ये उन बच्चों के लिए जो कि आईटी जेई नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो क्लास 8 से लेकर 12th में। इसके सारे डिटेल्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फिर तुमको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे तुम कॉल करके पता कर सकते हो। और जब तुम इस टेस्ट के लिए अप्लाई करो तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड NOVAFAM, क्योंकि ये एक ऐसा कोड है जिसको यूज करने में तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलता है एंड और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये करते करते बीच में देखता हूँ कि मेट्रो का रूट देख रहा हूँ कि अरे बीच में ना मेट्रो चेंज करने का टाइम आ गया, तो मुझे उतर के यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं मेट्रो से उतरता हूँ येलो लाइन से एंड राजीव चौक वाले स्टेशन पे ब्लू लाइन के साइड जाता हूँ। वहाँ पे मुझे दिखते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ बच्चे। वो बच्चे कौन थे? वो बच्चे वो थे जिनको मेंस का एग्जाम देना था। इसके साथ साथ उस दिन कोई और भी गवर्नमेंट एग्जाम था वहाँ पे, उसके लिए भी बहुत सारे लोग जमा थे, प्लस वो ऑफिस आवर था जिसके कारण और भी अंकल वगैरह थे जिनको ऑफिस जाना था। ये देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मुझे सेंटर पे 10 बजे से पहले पहुंचना है, अभी 9 ऑलरेडी बज चुका है और इतनी लंबी लाइन है कि जो आने वाली मेट्रो है उसमें तो मैं बैठ ही नहीं सकता चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, एंड अभी भी मेरा हाफ आवर का जर्नी बचा हुआ है। मैं लाइन में खड़ा रहा, ठीक है, आज लाइक हाँ ठीक है अभी भी 1 घंटे हैं, शायद मैं पहुंच जाऊंगा। एक मेट्रो आती है, लोग अंदर जाते हैं, मैं लाइन में पीछे था, मैं नहीं बैठ पाता हूँ, मेट्रो निकल जाते हैं क्योंकि मेट्रो में बहुत भीड़ थी। दूसरी मेट्रो आती है, मैं उसमें भी नहीं बैठ पाता क्योंकि मैं लाइन में पीछे था। ये करते करते 9:15 हो चुका है, मेरा दिमाग अब खराब हो चुका है क्योंकि एग्जाम का सेंटर मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। मेट्रो स्टेशन से उतर के ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्टली सेंटर पे पहुंच गया, वहां से उतर के ऑटो लो, सेंटर पे पहुंचो, अपना क्लासरूम ढूंढो, रोल नंबर मैच करो, इतना सब कुछ करना होता है, राइट? तो इसलिए अब मैं पैनिक करने लगा। अब मेरे को लगा कि अब मैं लाइन में अगर खड़ा रहूंगा ना तो जिंदगी में एग्जाम तो मैं नहीं पाऊंगा इस साल। मैं भाग के सबसे आगे गया लाइन के, लिटरली आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे डर के मारे। मैं हाथ जोड़ रहा था कि अंकल प्लीज़ मेरा एग्जाम है मेंस का, मुझे जगह दे दो, अगर मैंने इस लाइन में नहीं लगा अभी यहाँ पे आगे और मैं मेट्रो में नहीं बैठा अभी तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा।
क्योंकि यार मेरा ड्रॉप ईयर था, ड्रॉप ईयर नहीं भी रहता, जरा सोचो कि आप दो साल एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो और लास्ट मोमेंट में आप एग्जाम दे नहीं पाते हो तो कैसा लगेगा आपको। मेरा ड्रॉप ईयर था, इतना मेहनत कर रखा था, इतने पैसे खर्च हुए थे, पूरा फ्लैशबैक आ गया मेरे साथ कि यार ये हुआ है, अभी मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हार्ट वॉज बीटिंग सो डैम फास्ट कि बता नहीं सकता, शिवर कर रहा था मैं। अंकल को रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंकफुली वो अंकल मान गए। इससे पहले दो लोगों को और रिक्वेस्ट करा था, वो नहीं मान रहे थे, वो पीछे खड़े थे, इनफैक्ट ज्यादा आगे भी नहीं थे, ये सबसे आगे वाले अंकल थे, वो मान गए, भगवान उनका भला करे। मेट्रो में मैं बैठता हूँ और इतना ज्यादा नर्वस था मैं कि इस बार मेट्रो में बैठ के रिविजन भी नहीं करा, क्योंकि आई वाज लाइक कि भाई अब एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाऊं वही बहुत बड़ी बात है, रिविजन तो तब काम आएगा ना जब एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ एग्जाम देने के लिए, अगर वहां पहुंचते हैं तो रिविजन क्या करोगे। तो मैंने भाई अपना बोरिया बिस्तर बांध के अंदर डाला एंड फाइनली मैं पहुंचता उस मेट्रो स्टेशन पे जहां से मुझे एग्जाम सेंटर में जाना था। अब ये होते होते बच चुके थे 9:40, बस 20 मिनट में मेंस का मेरा पेपर शुरू होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट, और मैं एग्जाम सेंटर पे अभी तक पहुंचा नहीं हूं। ऑटो वाले बहुत सारे वहां पे खड़े थे थैंकफुली, जो कि उसी सेंटर पे जा रहे थे, और मेरी तरह बहुत सारे बच्चे अभी भी थे जो कि लेट थे और इसी कारण ऑटो नहीं मिल रहा था वहां पे। फाइनली एक ऑटो वाले भैया मिले एंड उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। अब जितना एक्चुअल चार्ज होता है वहां का, मैंने उसे 50 रुपए बढ़ा के बोला एंड मैंने बोला कि मुझे आप छोड़ दो प्लीज। ये सुन के फाइनली वो माने भैया एंड मैंने उनको बोला कि एग्जाम एंड ऑर्डर, मेरी शक्ल पे दिख रहा था, वो बताने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने बोला कि एग्जाम है छूट जाएगा, बहुत ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन है, प्लीज मुझे छोड़ दो। फाइनली उन्होंने मुझे बिठाया एंड मुझे एग्जाम हॉल पे छोड़ा एंड इट वॉज अराउंड 9:55 व्हेन आई रीच द एग्जाम सेंटर। वहां पहुंचता हूँ, फाइनली अपना नाम वगैरह देखता हूँ, एग्जाम हॉल का जो नंबर है मेरा वो देखता हूँ एंड एग्जैक्ट अराउंड 10 AM आई एंटर द एग्जाम हॉल। सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबको क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, उन्होंने लिखना स्टार्ट नहीं करा है एंड 10 अभी बजने ही वाला है, इट्स ऑलमोस्ट 10। मैं फटाक से अपनी सीट पे जाता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को कुछ देख भी नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि भाई अब बस मुझे अपनी सीट पे बैठना है, बस जो भी हो जाए। सीट पे बैठता हूँ, मैम से क्वेश्चन पेपर लेता हूँ अपना, अपने सारे गैजेट्स निकालता हूँ, पेंसिल वगैरह 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 जो भी था एंड फाइनली 10 बजने से कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद, 10:01 या 10:02 को अपना पेपर खोलता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ का अरेंज कर रहा था, बाकी लोग ने खोल लिया था पेपर। बट वो जो सिचुएशन था, ये पूरा सिचुएशन 9 से 10 बजे का, वो इतना ज्यादा पेनफुल था कि मैं बता नहीं सकता। इनकेस तुमने अभी मेंस का एग्जाम नहीं दिया है तो प्लीज ये गलती मत करना, प्लीज एग्जाम हॉल के सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना, 1 घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि तुमको नहीं पता कि ट्रैफिक होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर तुम किसी और शहर जाके एग्जाम देने वाले हो तो मेक श्योर करना कि एक दिन पहले आके विजिट कर लो अगर तुम कर सकते हो तो, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज देना ताकि अगले दिन जब वो तुम्हारे साथ आए तो उनको पता हो कि एग्जैक्टली कहां जाना है। तो ये एक गलती थी और ये एक कहानी है जो कि मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता, वो फ्लैशबैक्स आज भी मेरे सामने, कैसे मैंने इतना केयरलेसली ये सारा कुछ करा अपने मेंस के एग्जाम के दिन, जो कि मेरी जिंदगी बदल सकता था। इसके साथ साथ और कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कि आई थिंक मैंने अपने टाइम पे करा था और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने करा था, जो कि तुम रिपीट मत करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अगर मैंने भी गलतियां करी, मेरे फ्रेंड्स ने भी गलतियां करी, तुम भी सेम गलतियां करो तो फिर क्या फायदा। एक तो ये तुमको समझ में आ गया बेसिक गलती कि टाइम पे पहुंचना सेंटर, तुमने कितनी भी प्रिपरेशन करी है उस मोमेंट पे अगर तुम पैनिक कर जाते हो ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो प्लीज ये मत होने देना। मिस्टेक नंबर 2 इज कि क्वेश्चन पेपर जब तुमको मिलता है ना तो तुमको ये नहीं करना है कि उसी ऑर्डर में बनाने लग जाना है जिस वो ऑर्डर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस तो जंबल्ड होंगे ना, तुमको उन क्वेश्चंस को बनाना है, उस पार्ट को सरल करना है जो कि इजीएस्ट है। अगर केमिस्ट्री तुम्हारा स्ट्रांग है, तुमको केमिस्ट्री इजी लगता है और केमिस्ट्री में भी सिंगल करेक्ट है जो कि इजी है, तो पहले उसको अटेम्प्ट करो। ये नहीं कि मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आता ही नहीं है, इसलिए सबसे पहले उसको करके टेंशन फ्री हो जाते हैं। कुछ टेंशन वेंशन फ्री नहीं होगी और टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक ही चीज काम आती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। अगर तुम पहले इजी क्वेश्चंस को कर लेते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है एंड उसके बाद तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। मिस्टेक नंबर 3, एग्जाम हॉल में ऑफ कोर्स चीटिंग एंड ऑल मत करना, मेंस का एग्जाम है भाई, तुम्हारे सामने वाला बंदा भी गलती बना रहा होगा शायद, एडवांस का तो फिर तो भूल ही जाओ कि वो सही भी बना रहा होगा, 15 लाख बच्चों में से कितने सिलेक्ट होते हैं तुमको ही पता है। तो प्लीज अपने आप पे भरोसा करो, चीटिंग फीटिंग तो दूर दराज के में मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी चीटिंग के चक्कर में, ठीक है। अपने आप पे भरोसा करो, तुक्का मार लो एक पल के लिए अगर तुमको लगता है कि शायद तुम्हारा 50% सही होने के चांसेस है, बट ये चीटिंग वीटिंग तो मत करना यार प्लीज। मिस्टेक नंबर 3, अंधाधुन क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब एक बार बैठे आप पूरा सॉल्व करके उठेंगे, नहीं, तुमको एग्जाम हॉल में टाइम डिविजन करना है कि केमिस्ट्री को इतना टाइम दूंगा, फिजिक्स को इतना टाइम दूंगा, मैथ्स को इतना टाइम दूंगा, पर क्वेश्चन में भी टाइम डिवीजन करना है कि एमसीक्यू है, ठीक है, तो पर क्वेश्चन को मैं 3 मिनट दूंगा, सिंगल करेक्ट है तो पर क्वेश्चन को मैं 2 मिनट दूंगा। यही नहीं कि एक ही क्वेश्चन में बैठ के लंबा टाइम दे रहा है, अगर तुम्हें बस टाइम बच जाता है लास्ट में तो दे देना। इसके साथ साथ एक चीज और ट्राई करना है कि क्वेश्चन पेपर को ना सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में सॉल्व करना है, 3 घंटे मत मान के चलना। 3 घंटे मान के चलोगे ना तो फिर 3 घंटे में खत्म होगा, 2.5 घंटे मान के चलोगे तो 2.5 घंटे में खत्म होगा। तो ये थी बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं। इसके साथ साथ मैं तुमको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा मेंस का एग्जाम हो गया तो भूल जाओ कि एग्जाम कैसा गया, एडवांस पे फोकस करो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे जिनको मेंस में बहुत कम आया था, उन्होंने एडवांस में 4 दिया, ठीक है। एग्जाम का टाइप अलग अलग है यार, वहां कहां एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहां कहां इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है, बहुत सारे डायनेमिक्स अलग हो जाता है एडवांस में।
तो ये सोचना छोड़ दो कि अरे यार मैंने ये कर लिया होता तो ये मास आता, ये कर लिया होता तो वो मास आता, भूल जाओ। पूरा का पूरा फोकस एडवांस को दे दो। तुम्हारा अगर मेंस बहुत खराब भी गया है ना, अगर तुम क्लियर भी कर रहे हो, जस्ट क्लियर भी कर रहे हो, तो भी तुम एडवांस में फोड़ सकते हो। इस बात पे भरोसा करो मेरा, एंड एडवांस के लिए जी जान लगा दो। अगर तुम ऐसे बच्चे जिसका मेंस अभी तक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ 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 एनसीईआरटी को प्रायोरिटी बनाओ। एनसीईआरटी के जो लास्ट वाले चिंदी चैप्टर्स है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, बायो मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दैट, जिसमें कि रट्टा मारना पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ा था अच्छे से फिजिक्स का, ठीक है, उससे क्वेश्चन आ गया था कि अटेन्यूएशन पे। तो ये गलतियां मत करना, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो पढ़ के नहीं आते हैं। उनको प्लीज पढ़ना, उसके बाद बड़े बड़े बुक्स बनाना, एच सी वर्मा एंड ऑल दैट, पहले बेसिक्स तो कर लो यार। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना अगर टाइम मिलता है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बस एक एग्जाम है। अगर तुम एग्जाम में क्लियर कर लेते हो तो ऑफकोर्स हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर नहीं भी कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने मेंस नहीं क्लियर किया, जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी में कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपकी ज़िंदगी को शेप कर सकती है एक अलग डायरेक्शन में। एंड एडवांस और मेंस का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपकी ज़िंदगी को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकता है। तो इसलिए अपना जी जान लगाओ, अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। डू चेक आउट अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट, 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है यार, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट करो, एंड साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और नेक्स्ट वीडियोस तुम किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।